देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी लोगों की चौधराहट खत्म हो गई, तो हरियाणा में चाहे पूर्व मुख्यमंत्री या उससे पहले वाले पूर्व मुख्यमंत्री, वो सारी चीजें समाप्त हो गई। और जोशी जी, ये जो जाट एक मुद्दा लेकर बैठे कि भाई बीजेपी ने इनसे ज्यादा जाट टुकड़ी कर दिए, जाट जीत कर बैठाए, आप एक बात बताओ, पूछ ये जाट भी पूछ कर देखियो कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने जब कहा था कि पश्चिमी यूपी से चौधरी लोगों की चौधराहट खत्म कर दी, तो इस बात में आप सिर्फ एक ही बात का जवाब बताओ कि जो आए थे चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी, या तो मैं ही चौधरी थे या जो बीजेपी तक जीत के गए, मैं पूछते इस बात को, हम चौधरी नहीं आके वे क्या है? अगर वे चौधरी थे तो उन्हें वही पूछना था आधा सरकार थे सुधांशु त्रिवेदी थे, अब हम क्या आए भाई? अगर आज हमें पता लग गया उसके सुधांशु त्रिवेदी ने कह दिया कि भाई चौधरी लोगों की चौधरात खत्म कर दी, तो हमें पक्का पता लग गया अजीत सिंह जयंत चौधरी के अलावा हमारा कोई चौधरी है ही नहीं, एक बात। इसलिए हम अपनी चौधराहट हटकर दोबारा दिखावेंगे पश्चिम में, हम चौधरी हैं, एक बात। दूसरी बात, आप ये समझो कि जब श्रीकांत शर्मा जी यहां मथुरा से सांसद बने और उन्होंने कहा कि जाटू ने तो जयंत चौधरी का ही साथ नहीं दिया, हमें जाटू का कोई वोट नहीं चाहिए, ना इन जाटू का कोई यकीन, जी इन जाटू का बीजेपी को यकीन नहीं है, ये कौन से जाट हैं जो उनसे बीजेपी को वोट दे रहे, जिनका यकीन ही नहीं, वे बिना यकीन ही जबरदस्ती बढ़ रहे उसमें डीएनए, तो अपना ही डीएनए टेस्ट करवाओ भाई, जो उनसे को गड़बड़ लग रही, यानी जो चौधरी था चौधरी उन्होंने बता दिया हमारा कौन था, हमें पता लग गया, जी बोलो हमें होश नहीं थी, हमने 2014-17-19 में उन्हें ही वोट दिया, हमें पता नहीं था भाई चौधरी कौन है, उन्होंने बताया दिया भाजपा वालों को आसान, सुधांशु त्रिवेदी जी का आसान, हमें चौधरी का पता लग गया, हम अपने चौधरी की गैली रहेंगे, चौधराहट कायम करनी, चौधरी भाई जैन जहां वे वहां, जैन चौधरी जिंदाबाद। तो ये कैराना विधानसभा क्षेत्र का गांव उन था।